हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ बैंकॉक में खाउसन रोड के पास। ये है मेरा हॉस्टल खाउसन स्टेशन। अभी बज चुके हैं शाम के 8:15। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आसपास में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। अगर आप भी खाउसन रोड में रुके हैं और आप ढूंढ रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर एक मसाला इंडियन के नाम से रेस्टोरेंट है, उसके यहाँ पर 3 शॉप है। एक तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये दोस्तों यहाँ पर ये है चौराया, और इधर की तरफ सामने है इंडियन मसाला इंडियन के नाम से है रेस्टोरेंट सामने। तो इनकी यहाँ 3 शॉप हैं। 150 भात की थाली है, जिसमें एक रोटी है, चावल है, पापड़ है, 2 सब्जी है, और अलग से रोटी लेंगे तो 15 भात की एक रोटी है। गर्मी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है, तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखिए, हेलो, इंडियन फूड वेज थाली। वेज थाली वेज थाली वेज थाली वन। देखिए दोस्तों, ये है इंडियन मसाला इंडियन फूड का, यहाँ पर देख सकते हैं आप इनका मेनू, एक बार देख लीजिए। ये है वेजिटेरियन आइटम, 150 बात थाली, नॉन वेज 250 बात, और ये इन ब्रेड है, प्लेन रोटी 15 बार, 20 बार, प्लेन नान 40 बार, और ये भटूरा 150 बार में 3 भटूरे और छोले, और ये गार्लिक नान 50 बार, ये पनीर नान, और ये देखिए इंडियन ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, गोभी पराठा। ये देखिए, ये सभी कुछ आपको बैंकॉक में खाउसन रोड के पास मिल जाएगी। इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन ब्रेकफास्ट, आमलेट 80 बात, एग पराठा 100। देखिए दही, ये देखिए काबुली चना, मसूर दाल, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल 140 चना, राइस 160 बात, ग्रीन पीस पुलाव, पनीर पुलाव 160, प्लेन राइस 40 बात, जीरा राइस 110, येलो सैफ्रॉन राइस मिक्स पुलाव, इंडियन स्वीट लड्डू 60 बात, 2 पीस, रसमलाई 100 बात, और यह है चमचम 2 पीस 90 बात, जलेबी रिस्पेस 80 बात 4 पीस, रसगुल्ला 4 पीस 120 बात, और बेसन लड्डू 4 पीस 130 बात। ये नॉन वेज आइटम, चिकन करी, चिकन कढ़ाई, और ये बटर चिकन कौरमा,
देखते हैं। ये सी फूड आइटम, फिश, फिश बिरयानी, कढ़ाई, फिश, बहुत सारे आइटम, वेज और नॉन वेज सभी है। चाय, मसाला चाय, कॉफ़ी, मैंगो लस्सी, योगर्ट लस्सी, जूस। देखिए दोस्तों, ये आ चुकी है हमारी थाली, चावल, दाल, सब्जी और ये कुछ रायता वगैरह है, चटनी और ये सलाद, रोटी और पापड़। चलिए खाते हैं और आपको बताते हैं कैसे टेस्ट है। इधर लॉकर है? अच्छा रूम है, रूम है। लॉकर भी है? हाँ, डबल डबल है ना। अभी तीन चार दिन हो गया, बहुत थोड़ा अभी तक। तीन चार दिन में क्या हो गया? पहले बहुत फुल था, ये भी ऊपर भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी खाली है दो चार बेड। चलो तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी खाया है खाना। यहाँ पर इंडियन खाना है, ये इंडियन मसाला, इंडियन फूड। और ये हॉस्टल और गेस्ट हाउस भी है उसी के बराबर में। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टूर एंड ट्रैवल है। तो एक ये माइंड डे, ये भी हॉस्टल है। हाँ, प्राइवेट रूम, प्राइवेट बाथरूम, एक डॉर्मेट्री, फीमेल डॉर्मेट्री और रूफटॉप लॉन, ये भी है यहाँ पर। ये भी काफ़ी फेमस है माइंड डे हॉस्टल। और तो इसमें जो ये मसाला इंडियन, तो काफ़ी अच्छा भोजन है, आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खाना है, काफ़ी चीज़ें हैं, आपका पेट आराम से भर जाएगा। तो और इनके पास रूम भी है, आप अगर डॉर्मेट्री चाहते हैं तो वो भी है 200 बाद। और अगर आप लेना चाहते हैं प्राइवेट रूम तो वो भी है, वो है लगभग 500 से 700 के बीच। ये देखिए वंडरफुल हॉस्टल, ये भी है यहाँ पर, वंडरफुल हॉस्टल रूम अवेलेबल है। तो देख सकते हैं इधर की तरफ से, वंडरफुल हॉस्टल, वंडरफुल हॉस्टल। रूम कैसे है भाई? पीछे। अच्छा, यहाँ पर ये वंडरफुल हॉस्टल। हेलो, जो बराबर में है उसमें आपको 200 में मिल जाएगा, इसमें मिलेगा 300 में डॉर्मेट्री रूम। माइंड है हॉस्टल। लेन क्या अभी पता करते हैं। टेक ए शॉवर, स्टे एट लॉन सर्विस। या रूम अवेलेबल? हाँ, डॉर्मेट्री ऑल फुल। हाउ मच फॉर डॉर्मेट्री? 300 baht one night। प्राइवेट रूम? 800 baht one night। 800 विदाउट ब्रेकफास्ट? ओके। यहाँ पर सभी कुछ देख सकते हैं माइंड डे में, इसमें रूम सभी फुल है। ना तो आपको मिलेगा डॉर्मेट्री और ना ही प्राइवेट, सभी फुल है। तो अभी चलते हैं आगे और चलते हैं खालसर रोड। ये टैटू, ये देखिए, ये देखिए आर्टिस्ट साथ के साथ
तैयार कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार, तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया है कि आप अगर खाउसन रोड पर रुके हैं तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पर मिलेंगे और आप अपने बजट में खाना कैसे खा सकते हैं, सभी कुछ आपको वीडियो में मैंने दिखा दिया है। और अभी मैं खाना खा कर के आया वो भी आपको दिखा दिया है, काफ़ी अच्छा खाना था, 150 बाट पे थाली है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो हो गए थोड़े लंबी, तो बाय।